नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार तो हमारी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान ज्योतिष शास्त्र के अंदर मिल जाता है। अगर आप सच्चे मन और सच्चे दिल के साथ ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति के पास अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो दोस्तों, वह चीज़ें होती है, एक तो धन की कमी। अगर व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तो दोस्तों, कभी भी व्यक्ति समझ लीजिए सुखी नहीं रह पाता। उसे किसी न किसी रूप से लगता है कि उसके पास धन कम क्यों होना है। दूसरा यह चीज़ होती है कि उस व्यक्ति का विवाह नहीं होना या फिर पारिवारिक संबंधों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है या फिर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, आज जो हम आपको उपाय बताएंगे, इस एक उपाय के माध्यम से ही आपकी वह सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएगी और आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय लेकर आए हैं वो दोस्तों उपाय है कि रोज सुबह उठते ही घर के अंदर से एक लोटा पानी छिटक दे, फिर देखे किस प्रकार होता है माता लक्ष्मी का निवास आपके घर के अंदर। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप जब भी सुबह उठते हैं तब आपको इस लोटे का नियम बनाना है। और उपाय कैसे किया जाएगा दोस्तों, यह भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि आप जब भी रात को सोने वाले होते हैं दोस्तों, यह उपाय विशेष तौर से धन प्राप्ति के लिए है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप सोने वाले होते हैं तब एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे के अंदर आप जल भर दें। दोस्तों, जल भरने के साथ ही उस तांबे के लोटे के अंदर कुछ चीज़ें आपको डालनी होगी जो आपके कुंडली को आपके योग्य बनाती है, मंगल को आपकी कुंडली के अंदर उच्च स्थान पर लाती है, गुरु का प्रभाव डालती है और साथ ही साथ सूर्यदेव की भी कृपा आपके जीवन के ऊपर लेकर आती है। यह चीज़ें आपको जरूर डालनी होगी दोस्तों। जैसे मंगल दोष को समाप्त करने के लिए, मंगल ग्रह को उच्च स्थान पर लाने के लिए आपको उस तांबे के लोटे के अंदर एक लौंग डालना है ताकि मंगल ग्रह आपके जीवन के अंदर अच्छा रहे। और दूसरी चीज की दोस्तों बात करें तो दोस्तों, दूसरा आपको थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालना है ताकि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अच्छा प्रभाव डाले और भगवान सूर्य देव की ऐसी कृपा आपकी कुंडली के अंदर बनी रहे कि आप देखते ही देखते अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाए। और दोस्तों, तीसरी चीज होती है आपके जीवन के अंदर सौभाग्य लाने के लिए, धन का आगमन लाने के लिए दोस्तों, वह होता है एक चुटकी हल्का सा कुमकुम, जिसे आप अपनी मांग के अंदर लगाती हैं महिलाएं, वैसा कुमकुम आपको लेना है, वो डाल दें। और उसके बाद दोस्तों, आप क्या करें, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता डाल दें ताकि आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बने। दोस्तों, उसके बाद क्या करें, उस पानी के लोटे को आप जल से भर दें और अपने सर से 7 बार ओसारे और ओसारते समय ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने के तत्पश्चात रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको इस लोटे को रख देना चाहिए। दोस्तों, रख दें और उसके बाद अपने मन के अंदर सकारात्मक धन प्राप्ति के योग बनाने की विचार करते हुए आपको सो जाना है। दोस्तों, बस मात्र आपको यह करना है, अगले दिन जब आप सुबह उठें, स्नान किया या नहीं किया, किसी प्रकार जैसे ही आप उठते हैं धरती माता को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी से शुभ आशीष मांगे, धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे। ऐसा मनोकामना मांगने के बाद उस लोटे को अपने हाथ के अंदर लें और लाकर अपने घर का मुख्य जो द्वार रहता है, मुख्य द्वार के ऊपर आपको वह जल छिटक देना चाहिए और अपने घर के प्रत्येक कोने में थोड़ा थोड़ा सा जल आपको छिटक देना चाहिए। और दोस्तों, बाकी जो जल बच जाता है आप क्या करें, अपने मुख को अर्थात आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर डाल दें और उसी पानी से आप अपना मुख धोएं, उसी पानी से आप स्नान करें। दोस्तों, देखेंगे किस प्रकार आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव की ऐसी कृपा देखने को मिलती है कि आप अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की जो समस्याओं से ग्रस्त चल रहे थे वह आपकी समस्याएं अपने आप ही मिट जाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर सदा माता लक्ष्मी का निवास रहने लगेगा। दोस्तों, अब दूसरा उपाय है आपके दोस्तों, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है, कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई नजर दोष आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएं, तो दोस्तों आप रोजाना क्या करें, सुबह उठते ही एक नियम बनाएं कि लोटे के अंदर
आपको बस थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डालनी चाहिए और डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार आपकी कुंडली बदल जाती है, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, आपका मन मस्तिष्क अच्छा और शांत रहता है और आपको आपके जीवन भर किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि सोमवार का दिन दोस्तों भगवान महादेव को प्रसन्न करने का दिन होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर रोग समाप्ति का दिन होता है। इस दिन आप क्या करें, भगवान सूर्यदेव को जब भी आप जल अर्पित करें, इसके अंदर एक हल्की सी आपको हरी इलायची डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आपकी कुंडली के अंदर स्वास्थ्य लाभ मिलता है और महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों मंगलवार के दिन आप चाहते हैं कि मंगल दोष और मांगलिक दोष आपसे समाप्त हो जाए और मांगलिक दोष आपको न लगे, तो आप भगवान सूर्यदेव को जल भी जल अर्पित करें। उस लोटे के अंदर आपको एक लौंग डालकर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जब भी आप गुरुवार का दिन, बुधवार का दिन हो और बुधवार के दिन आप चाहते हैं मंगल हरण कारणकर्ता अर्थात मंगल कार्य को बनाने वाले और किसी प्रकार के विघ्न को समाप्त करने वाले श्री गणेश जी की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे, तो बुधवार के दिन आपको भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और उसी के साथ ही जल से उनका अभिषेक करें। आपके जीवन भर आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भगवान गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, गुरु ग्रह दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो जाता है तो सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तब आप क्या करें, आप गुरुवार के दिन जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का तो आपको जाप करना ही करना है। लोटे के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर जो दोष और विकार चल रहे थे वह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और आपको देखते ही देखते हर प्रकार के कार्यों के अंदर फायदा प्राप्त होता है, आपके जीवन के अंदर वह सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको वह एक क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, कोई विशेष काम नहीं करना है। शुक्रवार का दिन जब भी आता है तब आप क्या करें कि माता लक्ष्मी की पूजा करें और आपको इस लोटे का पानी का दोस्तों पहले आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है और शंख के अंदर आपको पानी डालना है और उसके बाद क्या करें उस शंख के माध्यम से उस लोटे को आप भरें। और जब आप शनिवार का दिन हो तब आपको क्या करना चाहिए, उस लोटे को जो आपने जल भरा है सुबह उठते ही आपको भूखे पेट बिना किसी प्रकार की चीज़ खाए पिए वह जल आपको पीना चाहिए। दोस्तों आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपको पेट के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का ऐसा योग आपके जीवन के अंदर बनेगा कि आपकी किस्मत के चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन के अंदर राहु दोष है तो दोस्तों एक लोटे जल का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आप क्या करें, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन के अंदर समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वास्तु दोष हो, घर के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं हो वह समाप्त नहीं हो रही है, तो आप क्या करें एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर आप जल भर दें, उसके साथ ही उसके अंदर एक चम्मच आपको नमक डाल देना चाहिए। दोस्तों एक चम्मच नमक डालने के बाद आप क्या करें उस लोटे जल को आप भगवान विष्णु जी के सामने अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आपने घर के पूजा घर के अंदर कुछ समय के लिए रख दें। ऐसे रखने के तत्पश्चात आप क्या करें उस लोटे जल का छिड़काव अपने संपूर्ण घर पर, अपने घर की छत पर और आप सारी जगह पर अगर आप कर लेते हैं उस पानी का छिड़काव, तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी राहु का दोष नहीं रहता और देखते ही देखते राहु आपको अपने दोषों से मुक्ति कर देता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहती है, आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों यह था जल का ऐसा उपाय जो कोई भी करता है उसके जीवन के अंदर फायदा निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।